दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के अगले मैच की, जो कि ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। तो इस वीडियो में मैं एक एक प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा इस मैच के लिए, क्योंकि देखो एक तरफ चेन्नई है तो वही यहां पर से एक तरफ लखनऊ होने वाला। और ये जो मैच है ना भाई, इस मैच में आप लोग तुक्के में बिल्कुल भी टीम मत बनाना। जैसे बात करोगे तो क्या इस मैच के लिए अपने टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, ऋतुराज जगवाल फिर से इंपोर्टेंट होने वाला या फिर से इधर से क्विंटल डिकॉक या केएल राहुल को अपने टीम में लेकर के चलना है। अपने टीम में जो ये तीन से चार खिलाड़ी को लेकर के चलेंगे, यही तीन से चार खिलाड़ी में से कैप्टन किसे बनाना, वाइस कैप्टन किसे बना करके चलना, एक एक करके मैं आपको पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। और भाई वीडियो को आप लोग पूरा देख करके जाना है, क्योंकि ये वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो ना तो भाई मैं आपको बोलूंगा 1 करोड़ रुपया बड़े आसानी तरीके से विन कर जाओगे। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलेंगे, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम से ड्रॉप करेंगे, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर्स फ्लॉप होगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंडिंग में 1 करोड़ रुपया को विन कर सकते हो। तो कैसे जीतोगे, किस प्रकार से जीतोगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग वीडियो क्या कर लेंगे कि पूरा देख लेंगे। और सभी भाई से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पूरा ही देख करके जाएंगे, क्योंकि आप भी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि भाई आप भी सोच रहे हो मुझे भी 1 करोड़ रुपया जीतना है, मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे रैंक लाना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ही देख करके जाना। देखो आईपीएल का मैच नंबर 39वां चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 23 अप्रैल को MS चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला को खेला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स में, पिच रिपोर्ट में अभी आपको पूरी बारीकी से बताने वाला हूं कि आज का पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, इस पिच के लिए कौन सा बैटर से इंपोर्टेंट होगा, कौन सा बॉलर से इंपोर्टेंट होगा, सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई सबसे पहले दबा के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस होने के बाद मेरा जो फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में, मेरा जो फाइनल टीम बनता है ना भाई टेलीग्राम चैनल पर ही बनता है। देखो टेलीग्राम चैनल को जो भाई ज्वाइन करके रखा है ना भाई, हजारों लोग ने लाखों रुपया को विन किया मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए। तो आप भी सोच रहे हो लाखों रुपया जीतना, करोड़ों रुपया जीतना, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टॉस होने के बाद बिल्कुल फ्री में बने बनाया हुआ टीम टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। देखो अभी टॉस नहीं हुआ, टॉस होने के बाद जो मेरा फाइनल टीम बनता है वह टेलीग्राम चैनल पर ही बनता है, तो इसलिए बार बार बोला हूं टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, इसका लिंक आपको दो जगह पर मिल जाएगा, एक ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दूसरा लिंक दूसरा जगह पर लिंक कहां पर मिल जाएगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप लोग बड़े आसानी तरीके से इजिली तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर दो, साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। अब देखो MS चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, देखो पिच रिपोर्ट में अभी आपको पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बैनों पर बात करते तो बैनों पर अधिकतर मुकाबला खेला गया, 133 मुकाबला खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाली टीम ने 70 मैच को विन किया, वही बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाली टीम ने 61 मैच को विन किया। तो थोड़ा बहुत एडवांटेज ये रहता जो टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता मैच विन करते हुए थोड़ा बहुत चांसेस आगे रहता, ये आपको दिखाई देगा। अब देखो स्कोरिंग पैटर्न की बात कर ले तो 150 रन का स्कोरिंग 30 बार हुआ है, 150 और 169 के बीच में 40 बार स्कोरिंग है, 170 और 189 के बीच में 22 बार स्कोरिंग, 190 के ऊपर तो 20 बार स्कोरिंग हुआ। अब देखो स्कोरिंग आपको कितना देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल स्कोरिंग की बात करोगे तो आपको 190 के ऊपर स्कोरिंग देखने को मिलेगा, मतलब 200 के आसपास भी आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा। अब ये समझ लो यदि चेन्नई सुपर किंग्स टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो 210-205 रन आपको स्कोरिंग देखने को इजिली तरीके से मिलेगा। एवरेज स्कोर काफी अच्छा खासा 158 का एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 246 का, लोएस्ट स्कोर 70 का बना। अब इस वैन्यू पर देखते हैं पिछले 10 मैच में बात कर ले तो पिछले 10 मैच में जो पेसर्स बॉलर्स को 79 विकेट मिला, यानी पेसर्स बॉलर जो विकेट निकाल करके गया 67% पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके गया। स्पिनर्स बॉलर्स की बात कर ले तो स्पिनर्स बॉलर्स को जो विकेट मिला
39 विकेट मिला है स्पिनर्स बॉलर्स को। मतलब यहां पर से देखा जाए तो पिछले 10 मैच में पेसर्स बॉलर्स 79 विकेट, 67% विकेट पेसर्स बॉलर्स को मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को 33% विकेट मिला। तो काफी ज्यादा जो विकेट निकालते हुए दिख जाएगा वो पेसर्स बॉलर्स आपको इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। अब देखो ये जो रिसेंट मुकाबला सेमी इस वेन्यू पर खेला गया, इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिलने वाला है, कितना स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट मिलने वाला। सबसे पहले यहाँ पर से ये जो मुकाबला खेला गया केकेआर और साथ में यहाँ पर से सीएसके के बीच खेला गया, जिसमें केकेआर टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन का स्कोरिंग किया। चेस करते हुए सीएसके टीम 141 रन बनाए, 3 विकेट गिरा। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिला करके पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 5 विकेट मिला। सीएसके टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन है। यहाँ पर से जीटी टीम चेस करते हुए 143 रन, 8 विकेट पर 20 ओवर में। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को 10 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 3 विकेट मिला। फिर ये मुकाबला आरसीबी टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन, सीएसके टीम चेस करते हुए 176 रन बनाए, यहाँ पर देखते तो 4 विकेट गिरा। फर्स्ट और सेकंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट। फिर यहाँ पर से एमआई टीम का स्कोरिंग 182 रन, 20 ओवर में 8 विकेट पर। एलएसजी टीम चेस करते हुए 10 विकेट पर देखते थे 101 रन बनाया। अब फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को यहाँ पर 14 विकेट मिला। अब देखा जाए तो इस वेन्यू पर काफी ज्यादा जो विकेट निकालते हुए दिख रहा है, काफी ज्यादा जो विकेट निकालते हुए दिख रहा है वह पेसर्स बॉलर्स दिख रहा है। स्पिनर्स बॉलर्स की बात करूं 5 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी पिछले 4 मैच में देखते तो स्पिनर्स बॉलर्स ज्यादा विकेट नहीं निकाल कर गया। 5 और 3, 8, 1, 9 और 10, यानी पिछले 4 मैच में बात कर लेते तो ओनली 10 जो विकेट मिला वह स्पिनर्स बॉलर्स को मिला। आप देखो पेसर्स बॉलर्स अधिकतर विकेट निकाल करके जा रहा, जैसे यहाँ पर 14 विकेट, 8 विकेट, 10 विकेट और 7 विकेट जो मिला हुआ पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिला। स्कोरिंग की बात करोगे तो देखो यहाँ पर से एलएसजी टीम की बात कर ले तो एलएसजी टीम कुछ खास नहीं कर रहा, 2 मैच खेला, 2 मैच में देखते एक मैच इधर हो गया जिसमें 101 रन बनाया। अब यहाँ पर से देखा जाए तो एलएसजी टीम चलो यहाँ पर से एलएसजी टीम एक ही मैच को खेला, अब देखते तो एक मैच एलएसजी टीम खेला और कुछ खास स्कोरिंग नहीं किया, तो चांसेस ये रहेगा कि इस मैच को फिर से विन करते हुए आपको सीएसके टीम दिखाई देगा। अब उससे पहले देख लेते हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है, हेड टू हेड देखने के बाद आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा टीम विन करने वाला है। अब देखो हेड टू हेड में 3 मैच खेला गया, 3 मैच में देखते तो 2 मैच भाई साहब यहाँ पर से लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने विन किया, 1 मैच सीएसके टीम ने विन किया। यदि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की बात कर ले पिछले 5 मैच में तो 2 मैच हारा है, 3 मैच यहां पर विन करते हुए दिख रहा। वही बात करें यहां पर से सीएसके का यानी चेन्नई सुपर किंग्स टीम का, तो पिछले 5 मैच में 3 मैच लॉस्ट किया, 2 मैच विन करते हुए आ रहा। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है इस मैच के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात कर ले तो आपको यहाँ पर से ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में रचिन रविंद्रा, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब मैं बात करूंगा रचिन रविंद्रा कितना इंपॉर्टेंट पिक होगा, क्या रचिन रविंद्रा को अपनी टीम में लेकर के चलना या फिर अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना, क्योंकि दूरिया रचिन रविंद्रा को आप ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए है। अब भाई बात करेंगे रचिन रविंद्रा कितना इंपॉर्टेंट पिक होगा, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यही खिलाड़ी आपको भाई मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंचाएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर अजिंक्य रहाणे फर्स्ट डाउन पर, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मोइन अली, एमएस धोनी, फिर यहां पर से समीर रिजवी, दीपक चहर, मथीसा पथिराना, तुषार देशपांडे, एम रहमान, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में होना चाहिए, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहिए। उससे पहले ये देखेंगे कि स्टार्टिंग के ओवर में और डेथ के ओवर में कौन कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करते हुए दिखता है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। स्टार्टिंग के ओवर में मैं बात कर लूं तो स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा यहां पर से एम रहमान, दीपक चहर, तुषार देशपांडे। डेथ के ओवर में अब देखो दीपक चहर की जगह पर डेथ के ओवर में यहाँ पर से पथी राणा को मौका मिला, मतलब एम रहमान और साथ में तुषार देशपांडे, यानी जो बॉलर्स देखते हैं स्टार्टिंग के ओवर में सिर्फ दीपक चहर जो आपको स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखा देंगे, नहीं तो डेथ के ओवर में यहाँ पर से देखते हैं तुषार देशपांडे, फिर एम रहमान, उसके बाद डेथ के ओवर में जो पूरा 4 के 4 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे वह एम पथी राणा, मथीसा पथी राणा डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना। सबसे पहले मैं यहाँ पर से बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, राइट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है। आईपीएल में 58 मैच में 2038 रन, 40 का एवरेज है। हेड टू हेड में 3 मैच में 75 रन, 25 का एवरेज है। अब हेड टू हेड में देखते हैं तो भाई ये देख लो कि यहाँ पर से इनका रिकॉर्ड कैसा है,
ऋतुराज गायकवाड़ का लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ओनली 25 का एवरेज है। बहुत सारा लोग टारगेट करेंगे कि चलो ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के चलना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने से पहले हेट वेट में रिकॉर्ड देख लो। वैसे बयानों पर बात करूंगा तो 44 का एवरेज बयानों पर काफी अच्छा खासा रहा था, तो ट्राई करना चाहते तो टीम में लेकर के ट्राई करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पिछले मैच में देख लो रिसेंट फॉर्म में 17-69-67 फिर यहाँ पर से एक रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। रचिन रमिंद्रा देखो हर हमेशा मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो ऐसे खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क लेकर के जा सकते हो। ये खिलाड़ी इन मोडेंट पिक रहेंगे, कैसे रहेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आईपीएल में देख लो 7 मैच में 133 रन ओनली 19 का एवरेज है, बैन ऊपर 3 मैच में 98 रन 32 का एवरेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो भाई ये जान लो यदि चेन्नई सुपर किंग्स टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आप अपने टीम में रचिन रविंद्रा को चाहते हो मेगा ग्राइंडिंग में सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना, तो आप अपने टीम के लिए सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। मैं क्यों बोला हूं? क्योंकि भाई आप सभी लोग को पता है कि ये जो बल्लेबाज है ना भाई तगड़ा बल्लेबाज है, भले ही रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा होगा लेकिन जब इनके बल्ले से रन देखने को मिलेगा ना भाई ये समझ सकते हो कि ये 30-35 या 40 बॉल खेल जाते हैं तो 80-90 रन का स्कोरिंग बड़ी आसानी तरीके से करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारा लोग ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जब शुरुआती में यहां पर से देखा जाए तो शुरुआती में सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो बहुत सारा लोग अपनी टीम में लेकर के चला था रचिन रविंद्रा को, कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करोगे तो कैप्टन या वाइस कैप्टन 30% से अधिक लोग अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके चला था। लेकिन रिसेंट में बहुत सारा लोग अपनी टीम से ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए तो मेगा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाते हो, मेगा ग्रैंड लीग में सोच रहे हो अच्छे रैंक पर जाना तो रचिन रविंद्रा इन मोडेंट पिक हो जाएंगे। इस मैच में जरूर से इस खिलाड़ी के ऊपर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के जा सकते हो, सभी लोग ड्रॉप करके चले हैं लेकिन मैं आपको बताऊं मोस्ट पिक होंगे आप अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो। वैसे तो मैं अपने टीम में लेकर के जाऊंगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन भी करूंगा ये खिलाड़ी कितना इंपोर्टेंट पिक होंगे टॉस होने के बाद। अब देख लो अजिंक्य रहाणे राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 166 मैच में 45-60 रन 31 का एवरेज, हेट वेट में एक मैच में 36 रन बैन ऊपर 16 का एवरेज है। बैन पर ये भी काफी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे हैं, 13 मैच में ओनली 216 रन है। रिसेंट फॉर्म में 36-5-35 और 7 में 45 रन का स्कोरिंग। मोइन अली लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टार, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में 50 मैच में 35 विकेट, हेट वेट में 4 मैच में 6 विकेट, बैन ऊपर 8 मैच में 6 विकेट। बैन ऊपर देखते तो बैन ऊपर तो भी फ्लॉप चल रहे मोइन अली, क्योंकि बैन ऊपर पेसर्स बॉलर्स के बारे में आपको बताया कि पेसर्स बॉलर्स अधिक से अधिक विकेट निकालते हुए दिख जाता। रिसेंट फॉर्म में 0-2-2-0 और 7 में आप उससे 0 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगले प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं तो अगले प्लेयर्स शिवम दुबे लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, आईपीएल में 54 मैच में 13-51 रन 31 का एवरेज, हेट वेट में 3 मैच में 79 रन 26 का एवरेज है। बैन पर 11 मैच में 278 रन 34 का एवरेज है। बैन पर काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं, मोस्ट पिक हो जाएंगे टीम में लेकर के चलना। रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा खासा चल रहा है, 66-28-45 पिछले 5 मैच में 3 मैच में काफी अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, स्लो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। 204 मैच में 156 रन है, हेट वेट में 4 मैच में 1 विकेट, बैन ऊपर 40 मैच में 33 विकेट। रिसेंट फॉर्म में सेम इसी बैन पर 57 रन 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। अगले प्लेयर्स के बारे में जान ले, एम एस धोनी भाई इंपोर्टेंट पिक, तो ये बल्लेबाज को देखो यहाँ पर से बात करें इनके बारे में तो इनको बैटिंग का मौका बहुत थोड़ा नीचे ये बैटिंग करने आ जाते हैं, यदि ये बैटिंग करने थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ना भाई कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी ये भी मोस्ट पिक हो जाते हैं अपनी टीम के लिए। बट देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म में 28-20-1-1-1-37 बैन पर 60 मैच में 14-91 रन 41 का एवरेज रहता, हेट वेट में 4 मैच में 56 रन बनाए। अब देखो बात करेंगे समीर रिजवी का राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, 6 मैच में 15 रन 5 का एवरेज, हेट वेट में 1 मैच में 1 रन 1 का एवरेज, बैन पर 3 मैच में 14 रन 14 का एवरेज। रिसेंट फॉर्म में 1 डीएनवी 0 और 7 में यहां पर से 14 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। अगले प्लेयर्स दीपक चहर राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 78 मैच में 76 विकेट, हेट वेट में 3 मैच में 0 विकेट, बैन ऊपर 16 मैच 22 विकेट। बैन ऊपर देखते तो काफी अच्छा खासा विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब देखो रिसेंट फॉर्म इनका कुछ उस प्रकार से नहीं चला, टीम में ट्राई करके जा सकते हो, 1-2 विकेट चांसेस है कि इस प्रकार के बैनों पर आपको निकालते हुए दिख जाएंगे। रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट निकाला है। बात करें अब यहाँ पर से मथीसा पथिराना का राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 18 मैच में 30 विकेट निकाले,
हेड टू हेड में दो मैच में 3 विकेट है, बैन पर 7 मैच में 11 विकेट निकाले। बैन पर इनके पास काफी ऐसा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो विकेट देख रहे हो ना, ये विकेट देख लो भाई, इसी वेन्यू पर निकालते हुए दिख रहे हैं। 4 विकेट सेम इसी वेन्यू पर मिला, 1 विकेट इधर इसी वेन्यू पर निकालते हुए दिख रहे हैं, इधर 3 विकेट 1 विकेट, फिर यहाँ पर से 3 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट करके जा सकते हो। तुषार देश पांडे राइट आर्म मीडियम ये बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में 30 मैच में 31 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट, बैन ऊपर 11 मैच में 15 विकेट। बैन ऊपर भी इनके पास एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा खासा विकेट निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट निकाले हैं। फिर यहाँ पर से बात करेंगे एम रहमान का, 54 मैच में 58 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट। अब देखा जाए तो एलएसजी के सामने स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैन ऊपर काफी अच्छा खासा विकेट निकाले, 3 मैच खेले बैन ऊपर और 8 विकेट निकाले। तो बैन ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मथिसा पथिराना और साथ में एम रहमान, ये दोनों खिलाड़ी के पास काफी अच्छा खासा अनुभव है, तो बैन के लिए मोस्ट पिक हो जाते थे। ये दोनों बॉलर्स को टीम में हर हमेशा लेकर के चलना। रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, फिर यहाँ पर से 2 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी बदलाव होगा जो भी चेंजेस होगा फाइनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही करूंगा। अब चलो यहाँ पर से हम देख लेते हैं लखनऊ की तरफ से क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। लखनऊ की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात कर लेते हैं, क्विंटल डिकॉक और साथ में यहाँ पर से केएल राहुल, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। फर्स्ट राउंड पर दीपक हुड्डा, मार्कस एस्टोनिस, निकलस पुरन, फिर यहाँ पर से कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, फिर वाई ठाकुर। अगला प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो अगला प्लेयर्स यहाँ पर से देख लो तो भाई यहाँ पर से वाई ठाकुर, उसके बाद एम हेनरी, मैट हेनरी आ जाते हैं, मोहसिन खान, फिर यहाँ पर से ए खान जोगी, कुछ इस प्रकार से लखनऊ की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब लखनऊ की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट होगा। उससे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में कौन कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। स्टार्टिंग के ओवर में मैट हेनरी, मोनिस खान, कुणाल पांड्या, ये 3 बॉलर्स स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। डेथ के ओवर में मैट हेनरी, मोनिस खान, फिर यहाँ पर से मोहसिन खान, यश ठाकुर, जो कि कुछ इस प्रकार से बॉलर्स लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में बॉलिंग करेगा। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से बात करूंगा क्विंटल डिकॉक के बारे में। लेफ्ट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 103 मैच में 3135 रन है, 33 कवरेज रहता है, हेड वेड में 15 मैच में 394 रन, 30 कवरेज है। बैन ऊपर देख लो 7 मैच में 74 रन, ओनली 10 कवरेज है। बैन ऊपर देखते तो पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का टारगेट होगा कि चलो मैं अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके चलता हूँ। देखो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए तो मोस्ट पिक हो जाता है, लेकिन बैन ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 मैच में ओनली 74 रन, ओनली 10 कवरेज। रिसेंट फॉर्म में 54-10-19-81 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। केएल राहुल राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, 115 मैच में 44-47 रन, 47 कवरेज है। हेड टू हेड में आ जाते हैं तो 13 मैच में 537 रन, 48 कवरेज है। हेड टू हेड में काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। बैनू पर भी देखते हैं तो बैनू पर भी 36 कवरेज है। मोस्ट पिक रहेगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। अब देखो रिसेंट फॉर्म की बात करूंगी ना तो रिसेंट फॉर्म भी इनका काफी अच्छा खासा चल रहा है। जैसे रिसेंट फॉर्म में 82-39-39-33 और साथ में यहाँ पर से 20 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो सेफ ऑप्शन में चाहते हो ट्राई करना तो कैप्टन या वाइस कैप्टन आप अपनी टीम के लिए केएल राहुल को भी बना करके जा सकते हो। फिर मैं यहाँ पर से बात करूंगा दीपक हुड्डा के बारे में, इनका बैटिंग स्टाइल की बात कर ले, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है। 91 मैच में देखते थे यहाँ पर से 1,367 रन बनाए, 19 कवरेज है। हेड टू हेड में 9 मैच में 140 रन, 20 कवरेज है। बैन ऊपर देख लो, बैन ऊपर 4 मैच में 45 रन, 45 कवरेज है, यानी बैन ऊपर और साथ में हेड टू हेड दोनों में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में 8-10-26-11 रन बना रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर से मार्कस एस्टोनिस का, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 31 मैच में 27 कवरेज है। हेड टू हेड में 7 मैच में 92 रन, 18 कवरेज है। बैन ऊपर 3 मैच में 63 रन, 31 कवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 8-10-8-58 और साथ में यहाँ पर से 24 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा निकलस पुरन के बारे में, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 65 मैच में 1516 रन, 31 कवरेज। हेड टू हेड में 9 मैच में 215 रन, 31 कवरेज है। बैन ऊपर 2 मैच में 32 रन, 16 कवरेज है। तो भाई निकलस पुरन जैसे बल्लेबाज को तो टीम में तो पिक करके चलना है, और फिक्स यही रहेगा कि भाई ये आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे ही, और वैसे भी बैटिंग का मौका इनको कंटिन्यू मिल ही रहा।
अब देखो इस मैच में कितना रन बनाएंगे, तो इस मैच में 50 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो टीम में तो ले करके चलना है। रिसेंट फॉर्म में 23-45-0-32 और साथ में यहाँ पर से 40 रन बना रहे। कुणाल पांड्या स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है, 112 मैच में 75 विकेट, हेड टू हेड में 11 मैच में 9 विकेट, बैन ऊपर 9 मैच में 6 विकेट। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। आयुष बदोनी राइट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 30 मैच में 512 रन, 23 कवरेज, हेड टू हेड में 4 मैच में 101 रन, बैन ऊपर देख लो 2 मैच में 24 रन 12 कवरेज। रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला, इधर 29-55-20 और 0 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। रवि बिश्नोई एलबी लेग ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, अब देखो ये जो बॉलर्स है ना क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स है, तो टीम में चाहे तो ट्राई करना तो टीम में ले करके जा सकते हो, क्योंकि क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स को इस प्रकार के बैन ऊपर विकेट निकालते हुए आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताया रवि बिश्नोई के बारे में, देख लो बैन ऊपर इनका रिकॉर्ड रहा था, बैन ऊपर 3 मैच में 5 विकेट निकाले, तो ऐसा नहीं कि बैन ऊपर इनके पास अनुभव नहीं, काफी अच्छा खासा अनुभव के साथ बॉलिंग करते और साथ में क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर से, तो हर हमेशा टीम में लेकर के जा सकते हो। हेट वेट में 6 मैच में 7 विकेट, आईपीएल में 58 मैच में 58 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और यहां पर से 0 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा मोहसिन खान के बारे में, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल है, आईपीएल में 17 मैच में 23 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 3 विकेट, बैन पर 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा चला, चांसेस रहेगा मिनिमम तो 2 विकेट आपको बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाएंगे। मैट हेनरी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 1 मैच में 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, बैन ऊपर 1 भी नहीं, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, इधर यहाँ पर से 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर से यश ठाकुर के बारे में, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 15 मैच में 21 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट, बैन ऊपर 2 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 0 विकेट निकाले। फिर यहाँ पर से अगले प्लेयर से आ जाते हैं अरशद खान, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल, 8 मैच में 5 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 0 विकेट, बैन ऊपर 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट निकाले, तो यश ठाकुर को टीम में ट्राई करके जा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के बैन ऊपर चांसेस हो सकता है कि ऐसे बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। बेंच प्लेयर की बात करें तो बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, जैसे यहाँ पर से नवीन उल हक, अमित मिश्रा, फिर यहाँ पर से कृष्णप्पा गौतम, इसमें जो भी बदलाव होगा जो भी चेंजेस होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। अब देखते हैं कि ड्रीम इलेवन टीम के लिए की प्लेयर्स कौन कौन सा हो सकता है। की प्लेयर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, क्विंटल लिकॉक, निकलस पूरन, केएल राहुल, मथिसा पथिराना, इस मैच के लिए की प्लेयर्स रहने वाला। कैप्टन और वाइस कैप्टन की सेफ ऑप्शन में बात कर ले तो केएल राहुल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, निकलस पूरन, शिवम दुबे को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स देख लेते हैं तो दीपक हुड्डा, मैट हेनरी, तुषार देश पांडे, इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाला। अब सबसे पहले देखेंगे प्लेयर्स बैटल, तो भाई प्लेयर्स बैटल को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना और इसे आप कहीं पर देख भी सकते हो, क्योंकि ये जो चीज बता रहा हूँ ना भाई देखोगे तो काफी अच्छा खासा लगेगा। प्लेयर्स बैटल से ये पता लगेगा कि कौन सा बल्लेबाज किस बॉलर्स के सामने रन बना था और किस बॉलर्स के सामने अपना विकेट फेंक करके जाता। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, गायकवाड का देख लेते हो तो रवि बिश्नोई के सामने 10 बॉल 17 रन 1 बार विकेट, कुणाल पांड्या के सामने 12 बॉल 22 रन 0 बार विकेट, अमित मिश्रा के सामने 6 बॉल 3 रन और 0 बार विकेट फेंके। एम एस धोनी की बात कर ले तो रवि बिश्नोई के सामने 10 बॉल 11 रन 1 बार विकेट है, कुणाल पांड्या के सामने 7 बॉल 1 रन और 0 बार विकेट फेंके। अजिंक्य रहाणे की बात कर ले तो कुणाल पांड्या के सामने 6 बॉल 4 रन 3 बार विकेट फेंके, तो हो सकता है चौथा बार भी आपको विकेट फेंकते हुए देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे। फिर यहाँ पर से ए खान के सामने 8 बॉल 25 रन 0 बार विकेट है, रविंद्र जडेजा की बात कर ले तो कुणाल पांड्या के सामने 15 बॉल 17 रन और साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा प्लेयर्स बैटल में एलएसजी के तरफ से, लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से क्विंटल लिकॉक का मोइन अली के सामने 46 बॉल 65 रन 4 बार विकेट फेंके, तो मोइन अली के सामने चांसेस हो सकता कहीं ना कहीं 5वां बार भी विकेट फेंकते हुए दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर से शार्दुल ठाकुर के सामने, एस ठाकुर के सामने 32 बॉल 44 रन 2 बार विकेट, दीपक चहर के सामने देख लेते हैं
तो 96 बॉल 127 रन, 2 बार विकेट। अब देखो शार्दुल ठाकुर के सामने भी 2 बार विकेट है, दीपक चहर के सामने भी 2 बार विकेट है। केएल राहुल की बात कर ले तो शार्दुल ठाकुर के सामने 38 बॉल 70 रन, 2 बार विकेट। फिर यहाँ पर से एम तीक्षणा के सामने 3 बॉल 5 रन, 1 बार विकेट। मोइन अली के सामने 10 बॉल 13 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंके। मार्कस एस्टोनिस की बात कर ले तो शार्दुल ठाकुर के सामने 13 बॉल 20 रन, 2 बार विकेट। एम रहमान के सामने 9 बॉल 9 रन, 1 बार विकेट। मोइन अली के सामने 12 बॉल 25 रन, 1 बार विकेट है। निकलस पूरन की बात कर ले तो शार्दुल ठाकुर के सामने 18 बॉल 34 रन, 5 बार विकेट। अब भाई देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर बड़े बल्लेबाज के लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आउट कर रहा है। जैसे देखो क्विंटल लिखा को, केएल राहुल को भी 2 बार, क्विंटल लिखा को यहाँ पर से देखते हैं तो 2 बार, और साथ में यहाँ पर से मार्कस एस्टोनिस की बात करते हैं तो 2 बार। अब देखो निकलस पूरन को 5 बार आउट किए, 6th बार भी चांसेस हो सकता है कि 6th बार भी शार्दुल ठाकुर को यदि टीम में मौका मिलता है तो कहीं विकेट फेंकते हुए देख सकते हैं। एम पथिराना के सामने 12 बॉल 13 रन, 2 बार विकेट है। दीपक चहर के सामने 24 बॉल 34 रन और साथ में यहाँ पर से 2 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब फाइनली देख रहे थे कि मैं अपनी टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी को पिक करके चला हूं। मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया, तो विकेट कीपर से बात करें तो मैं अपने टीम में विकेट कीपर से केएल राहुल, निकलस पूरन, क्विंटल लिकॉक, बैटिंग में ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा को पिक किया हूँ। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, मार्कस एस्टोनिस, बॉलिंग में पथिराना, रवि बिश्नोई, वाई ठाकुर को लेकर के चला हूँ। कैप्टन की बात कर दे तो कैप्टन केएल राहुल को और वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बना करके चल रहा हूँ। अब देखो इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा तो फाइनल अपडेट मैं आपको कहां पर बताऊंगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। तो इसमें जो भी चेंजेस होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर ही करूंगा। तो जो भाई अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना, और आप अपने अकॉर्डिंग टीम बनाओगे तो बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना है, तब के लिए थैंक यू सो मच।